फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रुखसाना मुल्ला कुकिंग किचन में सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक है और सबकी दुआ से अलहमदुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। घर पे बनने वाला है स्पाइक गोर्ड रेसिपी और वो झींगा के साथ में बनने वाला है और ये जैकफ्रूट का सीड्स के साथ में। तो क्या क्या लिए एक एक करके इंग्रीडियंट्स आप लोग को बताते हैं। चलो इंग्रीडियंट्स पर ध्यान दो। 200 ग्राम स्पाइक गोर्ड, 100 ग्राम अपना जैकफ्रूट सीड्स, 1 आलू, 100 ग्राम झींगा, 2 कांदा, 1 टमाटर और पांच फोड़ों मतलब उसमें है पांच चीज़ें, जीरा, धनिया, राई, कलौंजी, सौंफ, मेथी और इसमें जो दिख रहा है दो गोलमरिच, 1 इलायची, दो लौंग, 1 दालचीनी और तेज़पत्ता जीरा वहाँ से जब बनाएंगे तब डाल देंगे। तो ये इंग्रीडियंट्स कैसा करके बनाते हैं वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखते रहो, वीडियो को स्किप ना करो। के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं और ज्वारी रोटी के साथ भी खाएगा और टेस्टी, बहुत टेस्टी लगे, लेकिन ऐसा सेम बना के खाना बहुत अच्छा लगेगा। बनाने की तैयारी कर, अभी फिर से बना सकते हो, टेस्टी होगा। और अभी तेल डाल दिए, 1 कप ऑयल डाल दिए, वो कप भर के दो टेबल स्पून ऑयल, इससे मिल जाएगा। आलू को फ्राई कर ली, नमक इसको मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह कितना खूबसूरत दिख रहा है, मैंने ऐसा नहीं बनाया एकदम जबरदस्त। अभी आलू फ्राई होगा, आलू निकाल लेंगे, एकदम जबरदस्त बनेगा, जबरदस्त। मैं आलू फ्राई किए थे, अब उसमें अभी थोड़ा सा झींगा फ्राई करेंगे, नमक डाल के और हल्दी डाल के मिक्स कर लेंगे, इसको फ्राई करेंगे, डाल देंगे ओके, इसको निकाल लेंगे। काकरोल मतलब फाइन गोल्ड डाल देंगे, फाइन गोल्ड इसको फ्राई करेंगे, तो फ्राई करके बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा। नमक डाल देंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिक्स कर लेंगे, पूरा खुशबू आ रही माशाल्लाह मी इसका माशाल्लाह, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है लेकिन बनेगा कितना खूबसूरत और अच्छा बनेगा माशाल्लाह। स्पाइक ग्रोड फ्राई हो गया है और काकरोल बंगाली में वो फ्राई हो गया, निकाल लेंगे। देखो माशाल्लाह झींगा आलू और स्पाइक ग्रोड कितना मस्त लग रहा है। फ्राई किए थे उसमें वापस थोड़ा सा तेल रखे वो बनाने के लिए, तो और देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पासपड़ंग में जीरा है तो जीरा, अभी सब पासपड़ंग वाला रखा, मसाला था गरम मसाला, वो तेज़पत्ता फूट रहा है एक तेज़पत्ता। आप लोग ने जो पासपड़ंग डाले ना उसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, जिसको नहीं आता ना ऐसे बना के खाओ बहुत टेस्टी, बहुत खुशबू से आपका खाने का मन करेगा। अब जाएगा ऑनियन, अचारी तो ये नाम अचारी स्पाइक ग्रोड झींगा रेस्टम कभी बनाएंगे तो पासपड़ंग की वजह से पूरा अचार की खुशबू जैसा बकार देने के टाइम पे आता है ना, वैसे रहते कि इसका नाम नेक्स्ट टाइम जब बनाएंगे तो अचारी झींगा स्पाइक ग्रोड रेसिपी बनाएंगे। टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट एकदम ताज़ा ही, देखो अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि उसका कच्चापन, जिंजर गार्लिक का पेस्ट कच्चापन चले जाएगा, एक अच्छा सा महक आ जाएगा उसमें, खुशबू आ जाएगी, महक खुशबू आएगी, अदरक लहसुन का खुशबू आ गई, खुशबू माशाल्लाह। का बीज है वो डाल देंगे पहले से डाल दें ताकि वो सब मसाला भूनते भूनते वो पक जाएगा, फिर वो झींगा कड़क है ना तो अच्छी हो जाएगी। उसको फ्राई नहीं किए थे पहले, अच्छी वजह से उसको पहले डाल दिए। क्वांटिटी नहीं बताएंगे कितना लिए नहीं लिए, डब्बे में से एक एक करके 1 टेबल स्पून करके डालेंगे, ऐसा करके डाल देंगे उसमें। नमक डाली पहले फ्राई करने के टाइम नमक डाले थे, अभी इसमें सब फ्राई करने के टाइम नमक डाले थे। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर जाएगा, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा 1/2 टेबल स्पून क्योंकि जीरा घर का पिसा हुआ है बोल के बहुत उसका बहुत खुशबू होता है, लाल मिर्ची पाउडर 1 टेबल स्पून, तो हमें टमाटर डाल देना है, मसाला भी उसमें लग जाएगा, टमाटर भी भूनते भूनते टमाटर भी गल जाएगा। जो सब फ्राई करके रखे थे झींगा स्पाइक ग्रोड आलू सब डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे मसाला भी उसमें, पानी आ रहा है माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है, ढक के इसको ढक देंगे, जो कच्चापन है सब मिक्स हो जाएगा, पक जाएगा। एक्चुअली ये नमक का डब्बा है, अम्मी ने क्या किया हल्दी का डब्बा, ये देखो ये हल्दी का डब्बा है, नमक का है, अब ये देखो उल्टा पलटा हो गया, अब इसमें लग जाएगी और ये इसमें लग जाएगा, ऐसे ही होता है, वाटर का ढक्कन नहीं कभी कभार ऐसा करके उल्टा सर में लगा, चलो अब इसको ढक के रख देंगे कि नहीं, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त तैयार हो गया, खबर तैयार। हाँ आप लोग इसको पतला करना चाहते तो पतला करो, थिक करना चाहते थिक करो, आप लोग के ऊपर कर लेंगे। स्टाइल का स्पाइक गोर्ड रेसिपी रेडी हो गया, काकरोल रेसिपी रेडी हुई है झींगे के साथ में, आप लोग झींगा के साथ में बनाओ बहुत टेस्टी लगेगा और पास पड़ोंग डालो और टेस्टी लगेगा। तो मम्मी के जैसा बना के खाओ बहुत अच्छा लगेगा, तो कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताना।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चलो वीडियो इधर ही एंड करती हूँ, बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।